हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के डीबीएमएस के ट्यूटोरियल में हम लोग नॉर्मलाइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो सबसे पहले हम लोग इसमें कुछ कंटेंट देखेंगे इसके कि फंक्शन डिपेंडेंसी आपकी क्या होती है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या होते हैं नॉर्मलाइजेशन के, और उसके बाद हम लोग डिफरेंट टाइप की नॉर्मल फॉर्म इसमें देखेंगे। तो पहला टॉपिक है आपका फंक्शन डिपेंडेंसी। फंक्शन डिपेंडेंसी मेनली डील करता है आपका जब एक एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट को इजीली डिटरमाइन करता है, तो उसे आपका फंक्शन डिपेंडेंसी बोलते हैं। अब इसमें डिफरेंट टाइप की आपकी फंक्शन डिपेंडेंसी होती है, ट्रिबल फंक्शन डिपेंडेंसी, नॉन ट्रिबल फंक्शन डिपेंडेंसी, या पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी, फुली फंक्शन डिपेंडेंसी भी बोल सकते हैं। तो थोड़ा सा इसका पहले मैं ओवरव्यू आपको बता दूं, फिर हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे इसका प्रॉपर वे में। सो फंक्शन डिपेंडेंसी इज द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू एट्रीब्यूट, दो एट्रीब्यूट के बीच में रिलेशनशिप ये डिफाइन करने के लिए आपका फंक्शन डिपेंडेंसी यूज होती है। एंड इट इज अ टिपिकली एग्जिस्ट बिटवीन द प्राइमरी की एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट विद इन अ टेबल। एक टेबल में आपका कोई एक प्राइम टेबल है, जैसे मान लीजिए रोल नंबर आपका डिटरमाइन कर रहा है किसी नेम वैल्यू को, तो इसमें जो रोल नंबर है वो तो प्राइम एट्रीब्यूट है एंड नेम आपका क्या है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। तो इसका मीनिंग हम लोग कह सकते हैं नेम इज फंक्शनली डिपेंडेंट टू रोल नंबर। इसका मीनिंग है जैसे जैसे आपका रोल नंबर चेंज होगा नेम की वैल्यू चेंज होगी। तो ये आपका होता है फंक्शन डिपेंडेंसी। तो इसे आप डिफाइन करते हैं इस टाइप से, या आप एक्स टेंस टू वाई भी से डिनोट कर सकते हैं। एक्स आपका एक एट्रीब्यूट है, वाई आपका दूसरा एट्रीब्यूट है। So it is denoted by this. Left side of function is known as a determinant and the right side of the production is known as a dependent. ये dependent मतलब y depend करेगा x पे, जैसे जैसे x की value change होगी वैसे वैसे y भी आपका change होगा। For example, अब example की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए assume we have a employee table with attribute। एक employee table है जिसमें आपके attribute है employee ID, employee का name and employee का address। सो एम्प्लॉय आई डी जो है वो नेम को डिटरमाइन कर रहा है, तो यानी यहाँ पर क्या है एम्प्लॉय आई डी फंक्शनली एम्प्लॉय नेम फंक्शनली डिपेंडेंट है आई डी पे। जैसे जैसे आई डी चेंज होगी वैसे वैसे आपका एम्प्लॉय का नेम भी चेंज होगा। तो ये आपका है फंक्शन डिपेंडेंसी। अब इसके बाद आता है विशे दैट दी एम्प्लॉय नेम इज अ फंक्शन डिपेंडेंसी ऑफ एम्प्लॉय आई डी। ये तो आपका हो गया। टाइप्स ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसी की बात करते हैं, तो इसमें आपकी दो टाइप की आपकी फंक्शन डिपेंडेंसी होती है। एक होती है आपकी ट्रिबल फंक्शन डिपेंडेंसी, ट्राइबल भी बोलते हैं, नॉन ट्रिबल फंक्शन डिपेंडेंसी। अब इनकी दोनों की कुछ कंडीशन होती हैं, तो वो हम लोग देखेंगे यहाँ पर। देखिए सबसे पहले है आपका ट्राइबल फंक्शन डिपेंडेंसी। ट्राइबल फंक्शन डिपेंडेंसी में बोलता है इफ ए डिटरमाइन बी, ए टेंस टू बी, दैट मीन्स बी इज फंक्शनल डिपेंडेंट टू ए, हैज अ ट्राइबल फंक्शन डिपेंडेंसी इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इसका मीनिंग है बी जो है वो सबसेट होगा ए का। जैसे मान लीजिए आपने कोई यहाँ पर हमने बोला है ए बी, तब एक ट्रिबल फंक्शन डिपेंडेंसी होगा जब बी क्या होगा ए का सबसेट होगा। मान लीजिए आपने ए में कोई एलिमेंट आपने दिए हैं, मान लीजिए एट्रीब्यूट आपने दिए हैं पी क्यू आर और एस, देन बी भी आप बी आपने क्रिएट किया, इसके अंदर एट्रीब्यूट है आपके पी एन क्यू। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ए जो है वो बी को इजीली डिटरमाइन कर देगा, यानी बी के जितने भी एट्रीब्यूट है वो किससे डिटरमाइन हो सके, क्योंकि ये ए से ही बना हुआ है। तो ये आपका क्या होता है, अगर आपका बी जो है वो सबसेट ए का, अगर आप यहाँ पर देखें मैथ के कंडीशन में ये सबसेट है इसका, क्योंकि ये इसी से क्या क्या है डिजाइन, ए से ही बी आपका डिजाइन हुआ है, पी क्यू पी क्यू पहले से ही है आपके, उसी से आपका ये डिजाइन हुआ है, तो ये सबसेट है, पहली कंडीशन। दूसरा, द फॉलोइंग डिपेंडेंसी आर ऑल्सो ट्रिबल लाइक, जैसे देखिए यहाँ पर ए से आपका ए हमेशा डिटरमाइन होगा, बी से आपका बी डिटरमाइन होगा, तो ये भी आपका क्या है ट्रिबल फंक्शन डिपेंडेंसी है। तो आप प्रॉपर अगर एग्जांपल की बात करें, एक टेबल है आपका विद टू कॉलम एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम है जो किसको डिटरमाइन करे, एम्प्लॉय आईडी को डिटरमाइन। इज अ ट्राइबल फंक्शन डिपेंडेंसी एज एम्प्लॉय आईडी इज अ सबसेट ऑफ एम्प्लॉय। देखिए एम्प्लॉय आईडी जो है वो सबसेट है एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम का, पहली कंडीशन तो ये है। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या है आपका एक ट्रिबल फंक्शन डिपेंडेंसी, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी इसी, देखिए एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम, तो एम्प्लॉय आईडी इसी से बना है, तो ये इसको आप डिटरमाइन कर सकते हैं इससे, तो ये ट्रिबल फंक्शन डिपेंडेंसी। ऐसी दूसरा, एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय आईडी को डिटरमाइन कर सकता है एंड एम्प्लॉय नेम को डिटरमाइन कर सकता है, तो ये भी एक आपके ट्रिबल क्या है फंक्शन डिपेंडेंसी है। इसका मीनिंग ये है कि कोई भी एट्रीब्यूट जो डिटरमाइन हो रहा है वो सबसेट होना चाहिए इसका। तो देखिए एम्प्लॉय आईडी जो है वो एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम में से एम्प्लॉय आईडी इसका सबसेट है एम्प्लॉय आईडी, तो ये ट्रिबल है। नॉन ट्रिबल फंक्शन डिपेंडेंसी अब क्या होता है, नॉन ट्रिबल फंक्शन डिपेंडेंसी, ए टेंस टू बी हैज अ नॉन ट्रिबल फंक्शन डिपेंडेंसी इफ बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए।
अब बी जो है वो ए का सबसेट नहीं होगा। जैसे अगर आपने ए एट्रीब्यूट बनाया यहाँ पर पी क्यू आर किया, देन आपने बी बना दिया यहाँ पर क्यू आर एस टी, ये आपने बना दिया। तो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि ए बी को अगर डिटरमाइन कर रहा है, मान लीजिए डिटरमाइन हो रहा है बी, तो ये सबसेट नहीं है ए का। अगर आप यहाँ पर देखें तो कंप्लीट एलिमेंट नहीं है सेम, तो ये सबसेट नहीं है। तो वही कह रहा है नॉन ट्रिवल फंक्शन डिपेंडेंसी ए टेंस टू बी हैज अ नॉन ट्रिवल फंक्शन डिपेंडेंसी बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। दूसरा, व्हेन ए इंटरसेक्ट बी इज नल, अगर ए और बी का आप इंटरसेक्ट करें, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने गड़बड़ बता दिया आपको, क्यू और आर भी आपका नहीं आएगा, ये दोनों भी आपके सिंपल सिंपल वैल्यू रहेंगे। इसका मीनिंग है अगर आप ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो कोई भी वैल्यू आपकी सेम नहीं आनी चाहिए, यहाँ पर आपका नल आना चाहिए। तो यहाँ पर नल वैल्यू है आपकी, तो वो कंडीशन अगर आती है तो उसे बोलते हैं आपका कॉल्ड एज कंप्लीट नॉन ट्रिवल फंक्शन डिपेंडेंसी, तब उसे आपका एक कंप्लीट नॉन ट्रिवल फंक्शन डिपेंडेंसी बोलते हैं। इसकी जैसे आपका कंसीडर टेबल विथ थ्री कॉलम एम्प्लॉय आई डी एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय एज है, आईडी से आप नेम को डिटरमाइन करें तो नेम आईडी का सबसेट नहीं है, इज अ नॉन ट्रिवल फंक्शन डिपेंडेंसी बिकॉज एम्प्लॉय नेम इज नॉट अ सबसेट ऑफ एम्प्लॉय आईडी। सिमिलरली एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम से आप एम्प्लॉय एज को डिटरमाइन कर, तो एज आपका इन दोनों में से किसी भी एलिमेंट से मिलकर नहीं बना है, तो ये इसका सबसेट नहीं है, तो ये भी आपका एक नॉन ट्रिवल फंक्शन डिपेंडेंसी है। तो ये थी आपके डिफरेंट टाइप की फंक्शन डिपेंडेंसी। तो दो टाइप की आपकी फंक्शन डिपेंडेंसी होती है, एक ट्रिवल होती है, एक नॉन ट्रिवल फंक्शन डिपेंडेंसी होती है। एंड इसके अलावा आपकी पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी, फुली फंक्शन डिपेंडेंसी भी होती है, वो हम आगे जब नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।